नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार पर उनके ही मंत्रियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल रायपुर में जल चिंतन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश में गहराते जल संकट को लेकर इतने चिंतित थे कि उनका दर्द उनकी जुबां पर आ गया। दर्द की जुबां पर आते ही सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए। आज इसी गंभीर विषय पर हम करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश सरकार पर सवाल में। जी हाँ, जल है तो कल है, और जब जल ही नहीं होगा तो कोई कल कैसे देखेगा। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ भी जल संकट से जूझ रहा है। इसी को देखते हुए रायपुर में बुधवार को छत्तीसगढ़ जल चिंतन 2018 पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ ही विभागीय सचिव सोनमणि बोरा और एक्सपर्ट मौजूद रहे। कार्यशाला में जल संरक्षण को लेकर गंभीर चर्चा की जा रही थी। चर्चा के दौरान यहाँ जल संसाधन मंत्री कुछ तनाव में नजर आए। इतना ही नहीं, कार्यशाला में बोलते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने खुद ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके मुंह से सच्चाई सुनकर वहां बैठे अधिकारी समेत अन्य लोग भी सकते में आ गए। दरअसल मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रकृति के साथ न्याय नहीं किया गया है। आज कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, इसलिए पानी की समस्या बढ़ रही है। प्रदेश में नालों के गहरीकरण के लिए कोई काम नहीं किया गया। उनके मुताबिक एक विभाग बनना चाहिए जो वाटर डिजिटायर का काम किया जाएगा। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जल संरक्षण को लेकर एक बेहतरीन काम हो, ऐसा कोई एक विभाग बने, ऐसा महकमा तैयार हो। उन्होंने आगे कहा कि नदियों और नालों में सोर्स जो थे वो कहीं ना कहीं खो गए हैं और उनके खोजने की अब जरूरत है। पानी उतना ही है लेकिन हम ही उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पानी को सहजने का काम सरकार नहीं कर पा रही है। प्रकृति के साथ में न्याय नहीं किया, हमने अपने हितों के लिए जंगलों को काटा अपने हितों के लिए। अब हमारे रायपुर शहर में पानी की कमी क्यों नहीं होती थी, पहले खाली प्लॉट पड़े होते, बरसात का पानी उसमें भर जाता था और सब जगह वाटर पेपर भर जाता था। अभी जो रितु की साहब ने कहा कि आज काउंटी के जंगल बन रहे और काउंटी के जंगल इस पानी की समस्या को पैदा कर रहे हैं। आज हमने गाँव गाँव में छत्तीसगढ़ में कोई भी सबसे पहली डिमांड आती है सिंची रोड, सीमेंट कंक्रीट की रोड बना, और वो सीमेंट कंक्रीट की रोड बनती है तो गांव में रिचार्ज का सिस्टम तो पूरी तरह खत्म हो। तो कार्यशाला को संबोधित करते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ तालाबों का राज्य है। हमारे पूर्वजों ने जल संवर्धन के लिए काफी प्रयास किया है। रायपुर में 200 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। बूंद बूंद पानी बचाने की संस्कृति प्रदेश में है। आने वाले समय में उद्योग भी इसके हाथ में कहीं ना कहीं इसमें जो है हाथ बटाएंगे। बोरा के मुताबिक सरकार लगातार जल संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जल नीति को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि बूंद बूंद पानी बचाने की संस्कृति भारतीय संस्कृति में जो है शुरू से ही है। छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ रायपुर का हम बात करें, ये तालाबों का शहर है, ऐसे ही पूरा छत्तीसगढ़ में तालाबों का संस्कृति पहले से विकसित है। और इधर इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता गौतम बंदोपाध्याय ने कहा कि विकास का खाका ही गलत ढंग से बना है। उनके मुताबिक लगातार शहर की जमीन पर रियल एस्टेट में डायवर्सन हो रहा है। राज्य और देश की नीति बनाने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह बात भी कही कि अगर ऐसा ही रहा तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। सवाल यह था कि इस तरह के विकास का खाका क्यों हुआ। अगर 400 स्क्वायर किलोमीटर जंगल कम हो गया है, घना जंगल, उस पर सोचने की बात है। अगर हर रोड हर रास्ता अगर कंक्रीट बना दिया जा रहा है, रियल एस्टेट का डाइवर्सन इतना तेजी से हो रहा है शहर के किनारे की जमीन पर, उस पर सोचने की जरूरी है। धान की रकबा कम हो रहा है, बारिश कम हो रहा है, तालाब पटा जा रहा है। शासन खुद कह रहा है कि रायपुर शहर के ही तालाब जो है बड़े रूप से पटा है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुक करेंगे रायपुर स्टूडियो का खास पैनल में। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी के लिए गौरी शंकर श्रीवास हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी के लिए किरणमयी नायक हमारे साथ हैं, और नदी घाटी मोर्चा के संयोजक गौतम बंद
बंदोपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। गौरीशंकर श्रीवास जी, अब तो इस बात को कांग्रेस भी नहीं कह रही, आपके मंत्री खुद कह रहे हैं कि जंगल जो है कंक्रीट के बना दिए गए हैं, पानी को सहेजने के लिए, वाटर डिजास्टर के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है। इसी का खामियाजा है कि आज छत्तीसगढ़ पानी पानी के लिए मोहताज हो रहा है। देखिए, ये एक जनप्रतिनिधि की सच्ची कहानी है जो आपके सामने दास्तान के रूप में सामने आ गई। हमारी चिंता कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर और आज प्रदेश के युवाओं को, किसानों को लेकर जिस प्रकार की चिंता है, इसको जिस कार्यक्रम में व्यक्त किया गया है, इसके दूसरे कलेवर में आपको लेकर चलता हूँ कि पूरे विश्व आज जलवायु परिवर्तन की समस्या से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। हम बात सरकार भी नहीं कर रहे, हम पूरे समाज पे हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। कुदरत ने क्या कुछ किया, किस तरह से सारी चीजें हुई, वो उस पर नहीं, उस पर नहीं श्रीवास जी। नालों की सफाई करने के लिए इंद्र देवता उतर कर आएंगे क्या? नालों को गहरीकरण करने के लिए किसको आना पड़ेगा? ब्रह्मा जी आएंगे? जो छत्तीसगढ़ के जितने छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारी नदियां हैं, जो अनवरत पूरे 12 महीना जिसमें पानी लबालब भरा रहता था, आज सिर्फ बरसाती नदी के रूप में कई सारी नदियां कन्वर्ट हो गई है। ये कारण नाली नाला अलग विषय, डिजास्टर की बात भी हो रही, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन आज पानी क्यों कम हो रहा है, क्यों नदियों में 12 महीना पानी नहीं रहता जी? और जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, बहुत से कार्य हमने किए, बहुत से कार्य होना बाकी है, हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बताया कि पानी की समस्या क्यों खड़ी हो रही है। बोले कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, और यही बात मीडिया कहे, विपक्ष कहे, तो मानने को तैयार नहीं होते हुजूर। देखिए, जल संसाधन विभाग जिस प्रकार से है, उसमें और व्यापकता लाने की बात कहीं ना कहीं इस माध्यम से की गई है। हम सारी बात को मानते हैं साहब, आप ही लोग तो हैं जो हमें आईना दिखाते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपके बोलने से, आपके आईना दिखाने के बाद हम नहीं करते हैं? उस पर बात सिर्फ किसी सरकार ने कहीं पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। नायक जी आज मंत्री को बोलने लगे, उन्होंने कहा कि कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं, हम जो है तालाब बना नहीं पाए। जो तालाब थे रायपुर में 200 तालाब, वो भी जो है उनका अस्तित्व खत्म हो गया। नाले हम गहरीकरण कर नहीं पाए कि पानी जो है बरसात का पानी नालों में वहां पहुंच सके, तालाबों में। तो इस तरह की चीजों को करेगा कौन, व्यवस्थित कौन करेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री इस बात को कह रहा है, तो उसको तो जनता से माफी भी मांग लेना चाहिए कि हम जिस काम के लिए चुनकर आए हैं और जो विभाग उनको दिया गया है, उस विभाग में वो पिछले 10 साल से हैं और ये काम नहीं कर पाए, तो अब क्या रोना रो रहे हैं इस मीडिया के सामने और इस सेमिनार में कि हम नहीं कर पाए? क्या आप नाले के सफाई भी, गहरीकरण भी आपकी योजना में नहीं है? आपने बांध तो इस 15 साल में एक भी नहीं बनाया। एनी कट ऐसे बनाए जो बह जाते हैं एक बारिश में, और उस एनी कट के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वही बस लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक 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 बार प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जो विधानसभा अध्यक्ष, तो उन्होंने अपने क्षेत्र पूरे एनी कट इतने बनाए कि जनता ने उनको नकार दिया, चुनाव हार गए। अब ये जल संसाधन मंत्री है जो कहते हैं साहब हम नालों का गहरीकरण नहीं कर पाए, कंक्रीटकरण हो गया, तो ये यदि इन्होंने स्वीकार किया है तो इस बात पर तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात, जब पूरे प्रदेश में जब नाले पर, तालाबों पर कब्जा हो रहा है, उस कब्जे के संरक्षणकर्ता भी ये मंत्री जी हैं जी। पूरे शहर में, प्रदेश में कोई ऐसा तालाब और शहर नहीं बचा है, कोना नहीं बचा, जहां इनको और इनके भाई बंद ने कब्जा ना किया हो। इन मंत्री जी में सीधा सीधा नाले कहां से गहरे होंगे? नाले अगर फट जाएंगे तो उस पर तो बिल्डिंगें खड़ी होंगी ना, उसमें संरक्षण जो है मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हो रहा है। इसलिए देखिए, कब्जा की बात ये कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, रायपुर शहर की बात कर रहे हैं, 5 साल ये भी नगर निगम की महापौर रही है, अभी भी इनकी सरकार है, कब्जा अगर हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे सो रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ बोलने से हवाई बातें नहीं, अगर कोई विषय में किसी प्रकार की चिंता की जा रही है तो सार्थक परिणाम निकलने चाहिए। सवाल किसी सरकार का, किसी पार्टी का नहीं है, संपूर्ण मानव जाति का यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं नदियां से कहीं ना कहीं पानी क्यों वहां से समाप्त हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में देखिए, महानदी का जो प्रवाह होता है, समुद्र में जाता है,
उसे संरक्षण के लिए जिस प्रकार की, देखिए हमने ईसा फाउंडेशन से भी इसीलिए मयू किया साहब, जगत गुरु जग्गी महाराज अभी पिछले दो तीन महीना पहले छत्तीसगढ़ आए थे, महानदी के जो कॉरिडोर के क्षेत्र में तमाम प्रकार के वृक्षारोपण और जल संवर्धन हमारा सबसे मुख्य एजेंडा है। चलिए भाई हम कर रहे हैं और बहुत से कार्य होने बाकी है। बंदोपाध्याय जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। बंदोपाध्याय जी, आज खुद विभागीय मंत्री इस बात को कहते नजर आए कि जंगल जो है कंक्रीट के बन गए हैं, नाले गहरे नहीं हुए हैं, तालाबों की खुदाई नहीं हुई है, हम आज इस कगार पर आ गए कि आने वाली पीढ़ी को हम देकर क्या जाएंगे। ये विषय बेहद गंभीर है, चिंतनीय विषय है। सवाल ये है कि जब आपके हाथ में सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर इसमें हिला हवाली क्यों, देरी क्यों, ये सारी चीजें क्यों नहीं आपकी मंशा के अनुरूप हुई? देखिए बात है कि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को उदारता के साथ बारिश दिया है 1500 मिलीमीटर, 26 लवलवाती नदी दिए हैं जो भरे रहते हैं 12 महीना, 52,000 तालाब दिया है जी, ताकि इससे धरती के नीचे की पानी बने रहे, एक्वीफर भरे रहे। सवाल यह है ऊपर में पानी, धरती के नीचे के पानी और सतही जल के पानी छत्तीसगढ़ को समृद्ध किया है, जल के धनी बनाया था। लेकिन पिछले 15 साल की सरकार और उसके आगे की भी अगर सरकार देख ले, जो विकास की खाका खड़ा किया था उस पर सवाल करने की जरूरी है। आज अगर जिस मंत्री बोल रहे हैं ये बात अगर कर ले, जल नीति का बात 10 साल पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य जल नीति बने, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले चरणों में जल नीति की बात कह के उन्होंने उसको आज तक लागू नहीं किया। फिर सोनमणि बोरा जी आज कह रहे थे कि जल नीति हम बना रहे हैं, ये बनाते बनाते जल नीति को निजी नहीं है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। राज एक जनता के साथ सरकार के साथ चलता है जी। सवाल ये है कि आपने धान का रकबा कम किया, धान का रकबा छत्तीसगढ़ के नीचे जल ले जाता है जी। अपने नदी नाला में तमाम जो पानी है उसको इनलेट जो है उस पर कब्जा हो गया, आपने कुछ नहीं बोला। तालाब मार्केट काजू ने इसको उठाने की बात कहा, आप खुद भाजपा का कार्यालय जो है वो राजबंदर तालाब के ऊपर है। अगर इतना इनको नैतिकता की बात है तो उसको उठा के पुनः उस जगह में जाना चाहिए। हाईकोर्ट के तमाम निर्देश है जो उत्तर प्रदेश के निर्देश है और दूसरे राज्यों के निर्देश है। सवाल ये है जो बहस करने की बात नहीं है, करने की समय आ गया है। सवाल चेतावनी दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन हम कैसे जल आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ को अगर समृद्ध बनाना होगा, देश को समृद्ध बनाना होगा तो जल के बिना नहीं बन सकता। सवाल आज केवल पार्कपिता जल की उपलब्धता और उद्योग लगाने से नहीं होगा, हमारा सवाल है जल की उपलब्धता। बहुत सारे सवाल बंदोपाध्याय जी ने खड़े कर दिए हैं। सोनमणि बोरा आज कहते हैं नीति बन रही है, लेकिन ये नीति के अनुरूप ही आप जब जनता के बीच गए वोट मांगने तो आपने कहा कि हम भरपूर जल देंगे, आप सब लोगों को पानी की समस्या नहीं होगी, लेकिन वो नीति आज तक नहीं बन पाई है। और ये भी उम्मीद की जा रही है बंदोपाध्याय जी के द्वारा, 2050 में होगा क्या, छत्तीसगढ़ में पानी रहेगा ही नहीं? देखिए छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल जल की समस्या कहीं भी नहीं है, किसी भी जिले में नहीं है, जहाँ पे लोग पानी ना हो या कि खेतों में पानी ना हो। हमारा जो समस्या नहीं, आप धान के रकबे को कम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जल की समस्या नहीं है। देखिए साहब, धान का रकबा अगर कम हो रहा था तो इतना बंपर उत्पादन नहीं होता, 70 लाख मीट्रिक टन कम आज हम ऑन रजिस्टर्ड हम धान का उत्पादन आज कहीं पर अगर रकबा कम हुआ है तो उत्पादन ही बढ़ा है। पहले जो धान का उत्पादन 5 से 10 क्विंटल होता था, 15 से 20 क्विंटल हो रहा है जी। तो रकबा कम हो रहा है तो उत्पादन ही बढ़ रहा है, दोनों चीजें अपने साथ साथ चल रही है, दोनों में बैलेंस किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जनसंख्या घनत्व भी काफी बढ़ा है, इसलिए तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही है। हमने अभी महानदी के कॉरिडोर में जिस प्रकार का हमने बांध बनाने का कार्य हमारा जारी है, वो चूंकि ट्यूबनल में मामला है इसलिए उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा देरी हो रहा है। एक अच्छी जल नीति के साथ छत्तीसगढ़ राज्य एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देगा आने वाले समय में, और प्रदेश के हर खेत तक हर घर तक पानी पहुंचाने की जो बात हमने कही है उसमें बहुत सारे हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं। प्रदेश में कहा कि बोरा जी अब कह रहे हैं नीति बनाने की, 14 साल में आखिर क्या पानी के लिए किया आपने विशेष? आपने बांध बनाने की बात कही, बांध बना नहीं पाए, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है,
उसके पहले भी तमाम सारी नीतियों को लेकर जल संसाधन पर कार्यशालाएं हो चुकी हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये हवा हवाई साबित हुए हैं। पानी को बचाने के लिए कर क्या रही है सरकार? देखिए लगभग 100 से ज्यादा हमने एनीकट बनाए हैं जी, ऐसा जो बह गए पहली बार इसमें, इस बार हमने दिखाया भी बनाने के कारण लगातार बह गए जी। देखिए जल संकट का किसी प्रकार का कोई अभी फिलहाल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में संकट नहीं है जी। जिस प्रकार से आज राज्य में आज देखेंगे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार धान का कटोरा कहते थे, आज भी देखिए कृषि के क्षेत्र में नित नए आयाम हमने स्थापित किए हैं। अगर जल संकट रहता तो इस प्रकार की चीजें सामने नहीं आती। छत्तीसगढ़ में पानी को लेकर करना होगा, मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि जल संकट तो है, समस्या तो है। आप कह रहे हैं कि जल संकट भविष्य में गहरा सकता है अगर आज हम नहीं जागे। आज अगर हम नहीं जागे, जल संवर्धन में कार्य नहीं किए, वृक्षारोपण नहीं किए, समस्त प्राकृतिक संसाधनों को अगर सही तरीके से संरक्षित नहीं किए, तो आने वाले पानी नहीं क्या देंगे? ये बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी बात होगा। गौरी शंकर श्रीवास, खाली सरकार नहीं, सब सभी गौरी शंकर श्रीवास जी, सुपेबेड़ा को पानी नहीं दे पाया सरकार के साथ। आज लोग किडनी की बीमारी से प्रभावित हैं वहाँ पर। सुपेबेड़ा का मामला बहुत अलग है साहब, सुपेबेड़ा की वहाँ की प्राकृतिक स्थिति वैसी है, वहाँ पीने का पानी नहीं दे पाया। पानी वहाँ भी है, पानी नहीं है वहाँ। किरण भाई नायक जी वहाँ की भौतिक जो किरण भाई नायक जी, धान बोने से मना किया जा रहा है, बकायदा कलेक्टरों ने किसानों के लिए नोटिस चस्पा कर दिए, इस बार जो है धान की फसल नहीं ली जाएगी। ये पिछला मामला हुआ जब सवाल खड़े कर दिए गए, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे किसानों के साथ, उन्होंने हंगामा किया, तब जाकर इस पर विचार विमर्श किया। एक और लगातार जल संरक्षण को लेकर चिंता की जा रही है, लेकिन यहाँ होता कुछ नजर नहीं आ रहा। सुपेबेड़ा में लोग किडनी की बीमारी से मर रहे हैं क्योंकि पीने का पानी नहीं वहां। देखिए मैं इसमें साफ साफ दो तीन एग्जांपल ही दूंगी। आप बिलासपुर में अरपा नदी देख लीजिए जो पूरी तरीके से सूखी नदी हो गई है। रायपुर में आप खारून नदी को देखेंगे तो साल में 10 महीने ये नदी सूखी और जलकुंभी से भरी रहती है। आप राजिम को देखेंगे तो राजिम नदी पूरी सूखी रहती है, जिसमें गंगरेल का पानी छोड़ करके फर्जी कुंभ में वहाँ डुबकी लगाते हैं मंत्री जी। तो ये मंत्री जी की जो नीयत है काम करने की कभी रही नहीं, केवल और केवल भ्रष्टाचार के कैसे नए नए रास्ते खोजे जाए ये इन्होंने पिछले 15 साल में किया है। और 10 साल से जल संसाधन मंत्री रहते हुए यदि जल नीति नहीं बना पाए और कह रहे हैं कि कंक्रीट का जंगल बना और नालों का गहरीकरण नहीं किया गया, तो आप प्रवक्ता महोदय कितना भी उनका बचाव करेंगे, चाहे भविष्य की बात को लेकर के चाहे जो भी बातें लेकर के, तो ये कोई मायने ही नहीं रखता। क्या माना जाए, क्या माना है किरण भाई नायक जी, चूंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव की दहलीज पर छत्तीसगढ़ खड़ा है, ऐसे में चूंकि पानी के लिए जनता परेशान है, तो ये सिर्फ इसके प्रेरित है कि ऐसे से देखिए जो मंत्री जो खुद बेजा कब्जा को बढ़ावा देता है, जब मंत्री खुद नहर और डैम को अपना रिसोर्ट के लिए अंदर कब्जा कर लेता है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, उनके भाई बहन का क्या हाल होगा, और प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोचने की उसको फुर्सत नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो केवल कब्जा करने में है। 300 एकड़ जमीन कब्जा कर ली, जंगल की जमीन कब्जा कर ली, नदी और नहर को नहीं छोड़ा, अभी यहाँ समता कॉलोनी में उनके भाई ने सड़क को नहीं छोड़ा, तो आप क्या उम्मीद करेंगे ऐसे मंत्री जी से? और उन्होंने जब स्वीकार कर लिया तो मैं तो आपके मीडिया से निवेदन करूंगी कि इसकी क्लिपिंग को मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए और कहा जाए कि इनका इस्तीफा ले लिया जाए। बिल्कुल, ऐसे मंत्री को पद में बने रहने का कोई हक नहीं है। विपक्ष की भी भूमिका साहब, कब्जा को लेकर हाईकोर्ट गए थे, क्या हुआ उसका? बंदोपाध्याय जी बता दे, बंदोपाध्याय को लेकर गए थे हाईकोर्ट, देखा महात्मा गांधी गारंटी पार्टी का अध्यक्ष कब्जा किया, उसमें भी दो शब्द कह रहे थे श्रीवास जी, मौका मिलेगा आपको, आपकी बात भी आएगी। बंदोपाध्याय जी, मनरेगा के तहत जो तालाबों के गहरीकरण और तालाबों को खोदने का जो काम किया जाता है उसको लेकर कई बार सरकार ने बातें की और कई मंत्रियों ने, विधायकों ने चिंता जाहिर की। हमने कई खबरें ऐसी चलाई जहां पर दूरस्थ इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत कार्य हो रहा है वहां आज भी जस की तस स्थिति बनी है, लेकिन कागजों में तालाब बन गया है। आप समाज के लिए काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है आप, आपने भी जाकर देखा होगा, कई जगह आपको ऐसी रिपोर्टें मिली होंगी जहां पर कागजों में तो ये हो गया कि यहाँ तालाब हो गया, भैया यहाँ बतखें तैर रही हैं या चिड़ियां नहा रही हैं, पशु पानी पी रहे, लेकिन वहां तो आज भी वही कंक्रीट के जंगल तैयार है। दो बात है, आंख मूंद लेने से
खतरे दूर हो गया जी। ये सोच आत्मघाती सोच है जी। हमें उसके ऊपर उठना होगा और खतरे को समझना होगा और उसके तहत आगे कार्य करना होगा। वो रचनात्मक काम है, वो वैज्ञानिक काम है जी। आज सवाल ये है जो आपके रायपुर शहर की जो मंत्री जी कह रहे थे 140 जो तालाब है उसके 90 तालाब जिंदा है, 44 तालाब जो है वो खुद कह रहे हैं कि पट गया है। हमारा सवाल है कि ये पुनः उस जगह में क्यों नहीं आ रहा है। दो स्थिति है, एक स्थिति है जो एक्वाफेयर में कैसे पानी जाए, दूसरा स्थिति है जो तुगलक की निर्णय लेते हैं, तुगलक की योजना बनाते हैं। 238 एनिकेट बना के ही नदी को समाप्त कर दिया। नदी उस एनिकेट के आसपास थोड़ा पानी के स्तर जरूर बढ़ा लेकिन नदी तट पे, नदी घाटी पे पानी समाप्त हो गया। सवाल यह है विज्ञान को अगर आप नजरअंदाज करेंगे, ये विज्ञान के ऊपर मजाक उड़ाएंगे तो विज्ञान भी आपके ऊपर मजाक उड़ाएगा, समाप्त कर देगा। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है 2025 के खतरे जो आप हम नहीं देख रहे हैं और चुनावी सरगर्मी के तहत जल नीति बनाएंगे, ये नीति बनाएंगे, अब तक क्यों नहीं बनाया? केंद्र ने मैंडेट दिया था 10 साल पहले जो केंद्र के तर्ज पर हर राज्य जल नीति बनाए, तमाम देशों की, देश के तमाम राज्यों में बना, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बना जो जल के धनी राज्य है? सवाल है केवल तुगलक की निर्णय लेने से ऑर्नामेंटल थोड़ा जी। बात करने से समस्या हल नहीं होगा। श्रीवास जी, चिंता जाहिर है और जाहिर तौर पर ये सवाल भी लाजमी है। 10 साल पहले जल नीति को लेकर केंद्र सरकार ने कहा था, लेकिन आपने कहा कि हमारे साथ भेदभाव होता है, यूपीए शासन काल था, लेकिन फिर मोदी जी आए, मोदी जी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों आखिर इस तरह की हिलाहवाली हो रही है और क्यों आज चिंता जाहिर की जा रही है? ये चीजें पहले से क्यों नहीं की गई? छत्तीसगढ़ तो पूरा आपका था, आपको पूरा अधिकार दिया जनता ने, अपना मसीहा बनाया, लेकिन आपने तो उसको ही अस्तित्व में, पानी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, दादा ने भी जो बात को कहा कि 190-140 तालाब था, अब 90 बचा है, तो जितने भी तालाब पटे हैं जहाँ पे हमारा कार्यालय की भी जो बात बहन जी ने कहा है वो कांग्रेस के शासन काल में पटा है। ऐसा नहीं कि भाजपा के शासन काल में पट गया, उसमें रातों रात हमने कार्यालय खड़ा कर दिया। रजबंधा मैदान किनके शासन काल में पटा है, बड़े बड़े तालाब थे वो किनके शासन काल में पटा है, किसी से छुपा नहीं है। और बार बार कब्जे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने तालाब खोदे तो नहीं, किसानों की जमीन कांग्रेस ने तालाब बांटे, कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाया, देखिए भिलाई में, लेकिन आप भी वही काम कर रहे हैं। नहीं देखिए साहब, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि तालाबों के संरक्षण के लिए, जल संवर्धन के लिए हमारी एक दिल्ली में मीटिंग भी हुई है पिछले महीने और स्पष्ट निर्देश की हमको मिला है कि जल संवर्धन और वृक्षारोपण, ये दो चीजों में सरकार को और संगठन को कार्य करना है, जिसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हरियर छत्तीसगढ़ जो हमारा अभियान रहा है, आप देखेंगे हर साल हम बड़े पैमाने पर जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, अब तमाम हितग्राहियों के भी खेतों में वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसका मात्र एकमात्र उद्देश्य यह है कि प्रकृति के साथ में संतुलन बना रहे। निश्चित तौर पर जल नीति बनाने में देर जरूर हुई है, लेकिन अंधेरा नहीं होगा, निश्चित एक अच्छा जल नीति बनाकर आपके सामने हम लाएंगे। बात छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के भविष्य का है, इसमें किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी पार्टी के लोग खुद कब्जा करके बैठे हो वो कब्जा में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। श्रीवास जी, न्यायालय की राजकार मिलती है, 15 साल में तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। अब कहां आप कांग्रेस के पीछे लगे हुए हैं? अब तो कम से कम अपनी बातों को रखिए आगे। मैं कब्जा की बात बार बार कर रहा था कि मंत्री जी ने कब्जा कर लिया है, मंत्री जी ने कब्जा कर लिया है, तो आपके पीसीसी अध्यक्ष ने कब्जा किया है? मंत्री जी ने कब्जा नहीं किया, खाली करने का मंत्री जी ने कब्जा नहीं किया। चलिए, मंत्री जी ने कब्जा नहीं किया, जिसने भी कब्जा किया हो, आप उसको कोर्ट ने दे दिया, भी कब्जा किया हो कोर्ट ने दे दिया है, जिसने भी कब्जा किया हो, जिम्मेदारी तो थी, बाजू में बैठी मेरी जिम्मेदारी तो थी। और पानी की चिंता जैसी की लगातार हो रही है जल संरक्षण को लेकर और पानी को लेकर, रायपुर में हमने देखा पीलिया से कितने लोगों की हालत खराब हो गई, कई लोगों की जिंदगी पर बनाई और कई लोग मौत की नींद सुबह सो गए, रायपुर में पानी नहीं मिला। आप कह देते हैं कि किरण भाई नायक जी जिम्मेदार है, किरण भाई नायक जी कह देते हैं पीएचई जिम्मेदार है, आखिर जनता किसका उम्मीद करेगी? किरण भाई नायक जी की पार्टी की सरकार चल रही है 10 साल से नगर निगम में, पीलिया जैसी समस्या, जिस प्रकार से इक्वल आयुक्त पानी शहर को मिल रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आप बताइए, नगर निगम में 5 साल इनका भी कार्यकाल देखे हैं, अभी इनके पार्टी के एक महापौर हैं जो फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम एक्सपायरी डेट नहीं मालूम, मास्टर प्लान, हम पैसा तैयार है, हम पैसा देने को तैयार है, उनके पास प्लान नहीं है, फोटो वाली बड़ा प्लान लेके नहीं आया। किरण भाई नायक जी इस मसले को लेकर,
उनको बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बात अगर निकली है और मंच से विभागीय मंत्री ने अगर इस बात को कहा है तो कांग्रेस इस पर क्या आगे कुछ नई रणनीति तैयार करेगी? क्योंकि विभागीय मंत्री भी मानते हैं कि बहुत जरूरी है इस चीज को सोचना समझना। बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, अब तक हुआ नहीं कुछ जल के लिए, कल के लिए क्या होगा? देखिए मैं वही कहना चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े बांध बने हैं आज तक के, वो कांग्रेस के शासनकाल में बने हैं। इस पिछले 15 साल में इस पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा कोई बड़ा बांध नहीं बना है। दे दे करके कुछ एनीकट बनाने की बातें हुई हैं और वो एनीकट भी एक एक बारिश में बह जाते हैं। तो निश्चित रूप से मंत्री ने जब आज ये स्वीकार कर लिया तो उनको इस्तीफा तो तत्काल प्रभाव से देना चाहिए। दूसरी बात रही कांग्रेस क्या करेगी, तो कांग्रेस अभी अपने घोषणा पत्र पर काम कर ही रही है और निश्चित रूप से राज्य की जल नीति बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी 2018 में। यह हमारा आपको आश्वासन है इस मीडिया के माध्यम से कि इस छत्तीसगढ़ में बांधों का एक नया जाल बनाया जाएगा और नदियों के संवर्धन के लिए और तालाबों के संवर्धन के लिए जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई भी बचने की कोशिश नहीं की जाएगी। बिल्कुल। और श्रीवास जी कैसी मसाले लेके चले तिरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। आज चिंता की है, जल्द से जल्द कवायद करिए, हालात ऐसे न बने कि कहीं ना कहीं इसका दंश आपको झेलना पड़े। बहुत शुक्रिया आप चर्चा में जुड़े। बंदोपाध्याय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, किरण भाई नायक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।